दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडेनर्जिक ड्रग के हम सार लेने वाले स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है उसमें आपको दिए है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका नाम है बीटा फिनिल इथिलामाइन। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन और ये भी मेटा पोजिशन, और ये जो अटैच रिंग है यहाँ ये भी पैरा पोजिशन है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब हम इसके जो इसके थ्री पार्ट में डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फिनिल रिंग सब्सटीट्यूशन, मतलब हमें जो फिनिल रिंग है, ये जो फिनिल रिंग है इस पर सब्सटीट्यूशन करनी है। तो मेनी ऑफ द सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग कंटेन बीटा फिनिल इथिलामाइन एज अ पैरल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो रिंग है ये पैरल स्ट्रक्चर को बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है सब्सटीट्यूशन ऑन मेटा एंड पैरा पोजिशन, मतलब हमें मेटा और पैरा पोजिशन पर सब्सटीट्यूशन करनी है ऑफ द एरोमेटिक रिंग। किसकी सब्सटीट्यूशन करनी है? एरोमेटिक रिंग की। एंड ऑन द अमाइनो अल्फा और बीटा पोजिशन ऑफ द इथिलामाइन साइड चेन इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एक्शन एंड रिसेप्टर एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, मतलब आपने अल्फा और बीटा, ये आपको दिख रहा होगा अल्फा और बीटा, इस पर भी आपने अटैचमेंट की तो आपको क्या दिखाएगा? सिम्फेथोमाइमेटिक एक्शन एंड रिसेप्टर सिलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम एक्टिविटी इज सीन इन बीटा फिनिल इथिलामाइन डेरिवेटिव, मतलब अल्फा से ज़्यादा बीटा में आपको मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगा। एंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होना चाहिए। तो किस पोजीशन पर होना चाहिए? मेटा और पैरा पोजीशन पर ऑफ द एरोमेटिक रिंग, मतलब हम उसे कैटेचॉल भी कह सकते हैं। एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द करेक्ट स्टेरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इथिलामाइन पार्टीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो थर्ड पॉइंट है अल्दो द कैटेचॉल मॉइटी इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द ऑप्टेन मैक्सिमम अगोनिस्टिक एक्टिविटी एट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की तरफ ये क्या दिखाती है? मैक्सिमल एंड अगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाती है। इट कैन बी रिप्लेस विद द सब्सटीट्यूट फिनिल मॉइटी टू प्रोवाइड सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिज्म, ये भी अगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाता है और एड्रेनर्जिक अगोनिज्म मतलब एक्शन बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ द कैटेचोल फंक्शन ऑफ आइसोपोट्रेनल विद द रेसोर्सिनल स्ट्रक्चर गिव द मेटापोट्रेनल विद सिलेक्टिव बीटा टू अगोनिस्ट। तो लास्ट पॉइंट है जो हमारा फिनिल रिंग सब्सटीट्यूशन का, इन एन अदर अप्रोच रिप्लेसमेंट ऑफ द मेटा हाइड्रोक्सिल ऑफ द कैटेचोल ग्रुप विथ अ हाइड्रोक्सीमिथिल ग्रुप एफोर्डेड साल्बुटामोल, मतलब साल्बुटामोल का स्ट्रक्चर बन जाता है विच शो द सिलेक्टिविटी टू द बीटा टू रिसेप्टर। तो ये आपका फिनिल रिंग के बारे में कि हमें फिनिल रिंग पर सब्सटीट्यूशन करना है तो हमें मेटा और पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन भी करनी है, और जो हमारा जो अल्फा और बीटा पोजीशन है, ये देखिए अल्फा और बीटा पोजीशन है, इस पर भी सब्सटीट्यूशन करनी है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन एट नाइट्रोजन। तो ये देखिए नाइट्रोजन आपको दिख रहा है NH2, इसकी जगह हमें सब्सटीट्यूशन करनी है। तो सेकंड पॉइंट है अमाइनो ग्रुप इज अ फिनिल इथिलामाइन इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्ट अगोनिस्टिक एक्टिविटी, अमाइनो ग्रुप है इम्पॉर्टेंट है अगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाने के लिए। द अमाइनो ग्रुप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, अमाइनो ग्रुप है इम्पॉर्टेंट है अगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाने के लिए। द अमाइनो ग्रुप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, अमाइनो जो ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से सेपरेट है। ये देखिए अमाइनो ग्रुप NH2 का है और बेंजीन रिंग का है बाय द टू कार्बन फाउंड अमंग द पोटेंट डायरेक्ट एक्टिंग अगोनिस्ट, मतलब इसमें टू कार्बन से हमें इसे अलग किया है। ये देखिए टू कार्बन, ये अल्फा वाला कार्बन और बीटा वाला कार्बन, टू कार्बन से हमें ये लॉन्ग है इसमें से सेपरेट है। और थर्ड पॉइंट है एज अ बल्क ऑफ द नाइट्रोजन सब्सटीट्यूशन इंक्रीजेस, नाइट्रोजन हमने सब्सटीट्यूट किया तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, अल्फा रिसेप्टर अगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब नाइट्रोजन की सब्सटीट्यूशन की तो इंक्रीज हो जाती है और अल्फा अगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एंड बीटा एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दस
नॉर एड्रेनालिन दैट आर अफेक्ट बीटा वन रिसेप्टर अगोनिस्ट इज ऑलवेज पोटेंट अल्फा अगोनिस्ट व्हाइल इपिनेफ्रिन इज अ पोटेंट अगोनिस्ट एट द अल्फा बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर द एन टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप इनहेंस बीटा टू एक्टिविटी एज अ साइज इंक्रीजेज फ्रॉम द हाइड्रोजन इन अ नॉर एड्रेनालिन टू मिथिल इन अ एड्रेनालिन आइसोप्रोपिल इन आइसोप्रोपेनॉल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर डिक्रीजेस एंड बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस अल्फा रिसेप्टर डिक्रीजेस बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर मोर पोटेंट डायरेक्ट एक्टिंग अगोनिस्ट दैन द टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी मतलब इसमें बताया गया है कि अमाइनो ग्रुप इम्पॉर्टेंट है अगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाने के लिए और अमाइनो ग्रुप और एरोमेटिक रिंग को हमें सेपरेट किया है टू कार्बन से और जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाता है और अल्फा टू रिसेप्टर अगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड बीटा टू ऑल्सो इंक्रीजेस दस नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन में जो है और यह दिया है कि एड्रेनालिन में और आइसोप्रोपिलिन और आइसोप्रोपेनॉल एक्टिविटी अल्फा रिसेप्टर डिक्रीजेस एंड बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन मोर पोटेंट डायरेक्टली मोर पोटेंट है वो दैन द टर्शियरी और क्वार्टरनरी से वह सेकंड हमारा नाइट्रोजन एटम के ऊपर अब थर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन साइड चेन हमें जो दिखाया था आपको कि ये कार्बन साइड चेन है देखिए ये कार्बन साइड चेन है यहाँ से यहाँ तक तो इस पर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है मिथिल और इथिल सब्स्टिट्यूशन ऑन अ अल्फा कार्बन ऑफ द इथिलामाइन साइड चेन रिड्यूस द डायरेक्ट रिसेप्टर अगोनिस्ट एक्टिविटी एट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर मतलब मिथिल और इथिल ये हमने सब्स्टिट्यूशन की अल्फा कार्बन पर इथिलामाइन के चेन पर तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी तो इम्पोर्टेंटली एंड अल्फा अल्किल ग्रुप इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अल्फा अल्किल ग्रुप हमें अल्फा अल्किल ग्रुप इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो हमारी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है उसे इंक्रीज कर देगा ऑफ द फिनिल इथेलामाइन की अगोनिस्टिक बाय द मेकिंग कंपाउंड रेजिस्ट टू मेटाबॉलिक डीएमाइनेशन ऑफ एमएओ एमएओ एंजाइम है इसकी वजह से डीएमाइनेशन मेटाबॉलिक डीएमाइनेशन होता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट रिसेप्टर एक्टिविटी अल्फा सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट करता है रिसेप्टर सिलेक्टिविटी को एंड अनदर इफेक्ट ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चायरल सेंटर चायरल सेंटर को इंट्रोड्यूस करता है एंड विच हैज प्रोनाउंस है इट हैज प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन द स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट फॉर द एक्टिविटी इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें मिथिल और इथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना है अल्फा और बीटा जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ये क्या करता है एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर देता है तो यह आपका सार ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग तो थैंक यू फॉर वॉचिंग तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे वाला बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए।